कंगना राणावत पर हमला करने वाली कांस्टेबल पर हो रही कड़ी कार्रवाई। डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा, नव निर्वाचित सांसद कंगना राणावत पर हमला करने वाली महिला कांस्टेबल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह बहुत ही निंदनीय है जब एक महिला द्वारा दूसरी महिला पर हमला किया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन मध्य प्रदेश की प्रदेश महासचिव डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। यह एक सोचे समझे षड्यंत्र का नतीजा है। जब नव निर्वाचित सांसद पर हमला किया गया, यह किसान आंदोलन में चल रहे राष्ट्र विरोधी आंदोलन का जीता जागता सबूत है। मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा, प्रदेश महासचिव, ग्रामीण आजीविका मिशन। जैसा कि देखा गया कि हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है कंगना राणावत के ऊपर हाथापाई करने का, किस प्रकार से देखती, चूंकि आप एक महिला हैं और जीविका मिशन में आप काम कर रही हैं, किस प्रकार से देखते हैं और क्या सरकार से क्या? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और एक महिला के ऊपर हाथ उठा रही है, ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है जो महिला बोल रही है कि हम फार्मर को प्रोटेस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये फार्मर को प्रोटेस्ट करती हैं और मतलब ये डायरेक्ट एक लेडीज़ होकर लेडीज़ के ऊपर थप्पड़ मार दे रही। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं ये खालिस्तानी समर्थक हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ा इनके ऊपर हाथ है जो कि कंगना मैम के ऊपर इन्होंने ये जो है थप्पड़ मारा है। कहीं ना कहीं इनको बहुत बाहर से कहीं से सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये CISF की जवान है, क्योंकि अगर CISF के जवान होते तो वो तो एक सुरक्षाकर्मी का काम करते हैं और हमारे मतलब कंगना मैम है, हमारे भारत की गौरव है। बॉलीवुड से भी देखा जाए, बॉलीवुड की नज़र से उनको, या अभी लेटेस्ट वो सांसद बनी है, तो हमारे भारत का गौरव है। और महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक महिला होकर उन्होंने महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि उनको तुरंत उस पद से रजिस्ट्रिकेट करना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्योंकि जब वो बोल रही है कि हम फार्मर को प्रोटेस्ट करते हैं, तो फार्मर तो मध्य प्रदेश में भी हैं और मध्य प्रदेश का जो फार्मर है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी कहीं बात आती फार्मर्स की, सबसे पहले पंजाब के लोग पहले जाके वहाँ खालिस्तानी बनकर बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं, और उनके ऊपर जो बाहर का जो चीज़ होते हैं वही उनका सपोर्ट करते हैं। ये हमारे भारत के तो नहीं हैं और ना ही इनको हम फार्मर बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये उग्रवादी हैं और ये अभी बनते हुए उभरते हुए आतंकवादी हैं, जो कि ये उस चीज़ की क्लास ले रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता तो है। तो हाल ही में आपकी कई अधिकारियों से बात हुई, तो क्या इसका आगे क्या आप लोग संघ की तरफ से क्या? हम बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश भोपाल से भी हम लोग आवेदन देंगे कि इनको तुरंत पद से हटाया जाए। जहाँ भी जो CISF के उस पद पे कार्यरत है वहाँ से तुरंत इनको हटाया जाए और तुरंत जो भी कड़ी कार्रवाई हो वो की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला क्या मुहिम रहेगा? हम नहीं होती तो मध्य प्रदेश में महिला धरना प्रदर्शन होगा कंगना मैम के सपोर्ट में, और कंगना मैडम के साथ पूरे भारत की महिला है, नहीं पूरे भारत देश कंगना मैम के साथ है। ये लोग भूल जाए कि कहीं जो थोड़े बहुत समर्थक हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं। तो रही बात है पंजाब में ही क्यों आज दिन ये घटनाएं आती, कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं कि पंजाब ड्रग्स के नशे में रहता, कहीं ना कहीं ये वही ड्रग्स से पीड़ित है महिला, इसीलिए इन्होंने ऐसी हरकत करी। वहाँ की सामान्य महिला ऐसी हरकत नहीं कर सकती कि कोई एक महिला दूसरी महिला के ऊपर हाथ उठा सकती है। ये कहीं ना कहीं ड्रग्स के नशे में धुंध थी। आप उनको देखिए भी, वो लड़खड़ा भी रही है जब बोल रही है, तो उनका जो हाथ है उनका रिएक्शन देखिए, तो कहीं ना कहीं वो ड्रग्स का बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश महासचिव भोपाल।